ध्यान चाहिए, देखना तो पड़ेगा। इट्स ओके ब्रो। अरे ओपी तो जिनको मेरी तरह बैटल ग्राउंड खेलना पसंद है उनके लिए मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया न्यूज है। तो बेंजम में बीजीएमआई टूर्नामेंट वापस लाइव हो चुके हैं और इस बार सारे टूर्नामेंट बिल्कुल फ्री हैं। तो फ्री में एंटर करो और हर एक किल पे एक कैश जीतो। एक किल का आपको 40 रुपए मिलेगा। और यही नहीं, अभी और सुनिएगा, अगर आप 40 रैंक तक आते हो तो भी आपको कैश प्राइज मिलेंगे और इन सारे कैश प्राइज को आप पेटीएम यूपीआई और बैंक अकाउंट के थ्रू तुरंत निकाल सकते हो। तो है ना कमाल का एप्लीकेशन। खैर एक बहुत बड़ी न्यूज भी है, वो ये कि बिंजो रोज रॉयल पास के फ्री गिव अवे भी दे रहा है और बिंजो में 70 से ज्यादा गेम अवेलेबल भी है। तो रॉयल पास जीतने के लिए आपको उनमें से किसी 3 गेम को खेलना है और फिर इस बैनर में क्लिक कर देना है, फिर इस फॉर्म को फिल कर लो और रजिस्टर कर दो। और हाँ, ये ऑफर अभी लिमिटेड टाइम के लिए है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फटाक से जाओ और जल्दी करो। अगर मेरी लिंक से करोगी तो आपको 50 रुपए का बोनस भी मिलेगा। आज का ये गेम प्ले कसम से बोलूं तो बवाल है यार, पर उससे पहले ये बताओ तो और भाई लोग क्या हालचाल है यार। तो यार आज के गेम प्ले की स्टार्टिंग में आयुष ने भैया थोड़ी से सस्ते नशे कर लिए थे। तो सीन ये हुआ कि मैं मिलिट्री बेस उतरा था और यहाँ पे 6 किल किए और किल फीड अभी तक मेरे नामे की चल रही है, देख सकते हो आप। पर दिक्कत ये हो गई कि ऑटोमेटिक मेरी रिकॉर्डिंग हो गई क्रैश और स्क्रीन में लिख के आया कि यूर रिकॉर्डिंग इज फेल्ड। तो शुरू के 6 किल आपको नहीं देखने को मिलेंगे, पर वीडियो को पूरा देखना क्योंकि आगे बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। पर फिलहाल ये सुनो। अगर अरे पूंज भाई, यहाँ पे काफी बंदे आपके साइड आ रहे हैं। तो मेरा टीममेट टाइगर कहता है कि सामने से कुछ बंदे आ रहे हैं आपके साइड, तो मैं यहाँ पे कैम करता हूँ और देखो यार उनको कैसे निपटाता हूँ। यहाँ पे ध्यान सही है, देखना तो पड़ेगा। इट्स ओके ब्रो। हे भगवान, क्या मारे हो फौजी भाई? ओ भाई फौजी भाई, खेलना सिखा दो यार, मजा आ गया भाई साहब। आज खेलूंगा इतना गंदा कि मचा दूंगा पूरे सर्वर में कहर, और मेरे क्लच देख के मेरे टीममेट भी बोलेंगे अरे जहर फौजी भाई जहर। तो यार पहले मेरे 6 किल थे, अब हो गए 10, यानी कि मैंने कार से एक ही स्प्रे में 3-3 बंदों को गिराया और फिर बग्गी वाले को भी निपटाया। तो इस सीन के लिए एक लाइक तो बनता है यार, तो शुरुआत ही में लाइक के काले बटन को ठोकना मत भूलना। फिलहाल इनको निपटाने के बाद हमारी जो जॉम्बी क्वीन मरी पड़ी थी उसको रिकॉल करने के लिए मैं रिकॉल सेंटर जाता हूँ, पर यहाँ पे तो भैया पहले से विवादित स्थिति बनी पड़ी थी, देखो आप भी। वहाँ पे लेना वो लाल घर है ना, वहाँ पे ले। ये लेटा एक आपका। अब यार यहाँ पे मैं 2-2 किल चुराता हूँ, पर ये जो बंदा ऊपर गया है ये बंदा मेरी 1 किल चुरा लेता है, तो हिसाब किताब चुकता है कोई गुप्ता, कमेंट में बताओ। और अब ये सीन देखो। कोई पूछे मेरे बारे में तो पबजी का प्रो प्लेयर ही कहना, कि कोई पूछे मेरे बारे में तो पबजी का प्रो प्लेयर ही कहना, और अपनी तारीफ सुनने का अलग ही मजा है। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। ले भैया ओम्प। दुर्राटे काट दिए, देखिए दुर्राटे। हाँ, देखिए दुर्राटे काट रहे, ले भैया ओम्प। तो भैया उन बंदों की पेटी बनाने के बाद मैं सीधा इस तरफ आता हूँ और यहाँ पे मेरे टीममेट टाइम पास कर ही रहे थे, पर उतना ही मुझे पहाड़ी में एक बग्गी दिखती है, तो मैं ऊपर जाता हूँ और देखो यार आगे क्या होगा। मैं मरी हुई हूँ, तब भी जाके बोल।
मैं सही बता रही हूँ। ज़ॉम्बी की इनका दिमाग मिलिट्री वेस्टिंग मिलिट्री वेस्टिंग भैया गर्ल नेम था ये तो लड़की थी यार। तो भैया ये थी एक लड़की, पर लड़की हुए लड़का फौजी आज किसी को नहीं छोड़ेगा क्योंकि बहुत तेज है वो भड़का। कुछ भी गलत हो गया शायद। तो भैया ये थी एक लड़की और शायद वैलेंटाइन डे के दिन अपने बॉयफ्रेंड से थी भड़की, तभी तो यहाँ पे अकेले लेटी थी, वरना वो भी लेटता। खैर जो भी हो, इनकी पेटी बनाने के बाद मैं पहाड़ से नीचे की तरफ उतर ही रहा था और तभी देखना यार अचानक से क्या होगा। पे तो बट कहाँ पे अलग अलग उधर भी एक से मुक करो, एक से मुक करो, से मुक करो। चलो। अरे भाई क्या कैरी करा। अब यहाँ पे मेरे को फुटपाथ में कुत्तों जैसे कुचरा गया और वो सिर्फ इसलिए काहे कि किल हो चुके थे मेरे 17 और जब जब किल हो जाते हैं मेरे 17 तो कंटेंट में हो जाता है खतरा। फिलहाल मैं रिवाइव हो जाता हूँ और उसका टीममेट जिसने मेरे को कुचला था वो सामने वाले घर में रुका था, तो मैं डायरेक्ट उसके ऊपर रस कर देता हूँ। पर जब भैया यहाँ आता हूँ तो वो हमको मिलते नहीं है और जिसको मैंने नॉक किया था उसकी भी अभी तक मेरे को किल नहीं मिली, इसलिए मैं दोबारा इस वाले घर में आता हूँ। और नहीं कहीं दाग गाड़ तो पक बैठा होगा, ध्यान से ढूंढो। ये लो मेरे से। ओ शिट ले लो। I got supplies। अरे भैया ओम्फो, अरे भैया ओम्फो। जब जब निकलता हूँ किराया लेकर घूमने समय पर मिलता नहीं है टेम्पो कि जब जब निकलता हूँ किराया लेकर घूमने समय पर मिलता नहीं है टेम्पो और जब मारता है फौजी बंदों को तो उसके टीममेट भी बोलते हैं देखियो धुर्राटे काट रही है ओम फो। तो यार ये दो बंदे होते हैं जिनमें से पहले वाला यहाँ पड़ा था और दूसरा वाला वहाँ, तो पहले वाले की मैं पेटी बना देता हूँ और दूसरे वाले की मेरे को ऑटोमेटिक किल मिल जाती है। तो मैं इनको निपटाने के बाद आगे की तरफ जा ही रहा था और तभी मुझे सामने से गोली चलने की आवाज आती है और फिर इधर देखो इधर पत्थर के पीछे पत्थर भाई देखो मेरे माँ पे जो पत्थर है ना उसके पीछे बंदे और गिर ना जाए। अब भैया यहाँ पर मैं एक बंदे को फुटपाथ में कुचलता हूँ और उसके बाद मेरी गाड़ी का ईंधन खत्म हो जाता है और उसके बाद आती है सबसे बड़ी आफत। वो आफत ये कि भैया हमारे चारों तरफ बंदे हैं, तो क्या हम लोग यहाँ खुले में सरवाइव कर पाएंगे, जानने के लिए देखते रहिए फौजी सीजे गेमिंग। मौसम चला रहा है, मौसी चला रहा है। आराम से रहना। ये रहा देखो इधर देखो मेरे माक पीस को मारो, बिल्कुल खुला बैठा हुआ है। कोई तो मारो साथ। मैं मुंडी दिखाता हूँ वो मेरे को मारने को करेगा। ये मेरा ड्रॉप आ गया इसको। अभी आगे वाले तो किसी और से लड़ रहे हैं पर ये पीछे वाला बार बार मौसिन नागिन चलाए जा रहा है, तो मैं बोलता हूँ कि सबसे पहले इसको मारे तो मैं आगे जाता हूँ और फिर चलो। अरे ये लाइए यहाँ कहीं लेटा पड़ा है। एक मिनट बाद रिस्टार्ट होगा। गया है साला। हाँ देखा इधर ही कहीं था ये। तो यार ये बंदा भैया मौसिन नागिन लेकिन नागिन नहीं बना था, तो फाइनली मैं इसकी पेटी बनाता हूँ और फिर अपने टीममेट से बोलता हूँ कि एक काम करो घर की तरफ चलो, काहे कि खुले में मतलब रोकना गलत है यार। तो देखो बाकी और मेरे साइड से फुल एंगल मार रहा है मेरे साइड से। हां वही तो 1 HP है वो 1 HP लेफ्ट आ जाओ पूरी।
इधर आओ फौजी, मेरे पास आओ। देखो इसको पीछे आ गया, इसको पीछे आ गया। मेरे साइड से पूरा एंगल मिल रहा है। मारो बहुत हार्ड। अब सामने एक बंदा मेरी पेटी लूट रहा था और ये बात बिल्कुल गलत है। काहे कि मार हम रहे और लूट तुम रहे, तो मैं उसे बॉडी शॉट देता हूँ और तभी मेरे टीममेट ये कहते हैं। देखो इधर ये आ गया, एक और मेरे के पास। यहाँ पे खड़ा है, मारते क्लोज वाले को। यहाँ पे खड़ा है, ये डिजास्टर मर गया क्या? तो भैया इस बंदे के पास थी उजी, और उजी क्लोज रेंज में सबसे तगड़ी गन है। शायद इस वजह से मैं यहाँ पे नॉक हो गया हूँ, है ना? वरना कोई कहाँ नॉक कर पाता है मेरे को। अरे पीछे कौन? अरे पीछे वाला, पीछे कहाँ से कौन आ गया ब्रो? शायद इस बंदे ने मेरा वो वाला डायलॉग सुन लिया था। रह गया है जो भी, उसको भी फिनिश कर देंगे बेटा। हाथ में मशीन गन है, 150 की 150 तेरी छाती में भर देंगे। पूरी 150 गोली इकट्ठी चलाई भैया। अरे उठाओ मत। अरे मैं सेफ था यार, अंधेरा छा रहा, मेरे को जल्दी भेज दो। गेम कर रहे हो, छोड़ना नहीं, ठीक है? इसको मारते हैं, ठीक है? मिलके फौज भाई, आप पीछे दीवार पे चले जाओ। अब यार ये बंदा मेरे लिए भैया बहुत ज्यादा शब्दों का प्रयोग कर रहा था, इसलिए ना चाहते हुए भी ऑल में माइक करके दबा दब गालियां देना पड़ा। सामने दो बंदे। हेलो हेलो हेलो, बोल पे बहुत हार्ड। प्रिया गई, कौन था ये? प्रिया नहीं रे, प्रज्वल है। इतनों ठरक कहाँ से लात हो बेटा? फिलहाल सिर्फ एक बंदा बचा है, तो मैं उसके ऊपर बम बबूरा करता हूँ और देखो यार इससे क्या होगा। Enemies ahead. अरे इजी होगा, गाड़ी देगा तू। अरे ओपी और वॉट यार, फौजी भाई के आगे कोई टिक सकता है क्या? रहे सब हमेशा खुश, मैं भगवान से करता हूँ यही दुआ। और टिक पाए कोई फौजी की M4 के सामने, बेटा पबजी में अभी कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ। खैर भैया ये सिर्फ एक डायलॉग है, मैं पिटता रहता हूँ यार 24 घंटे। फिलहाल इस बंदे को निपटाने के बाद हो जाता है चिकन डिनर। तो ये गेम प्ले आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताना, और अगर मजा आई हो तो एक लाइक, और चैनल नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हो सके तो अपने एक दोस्त को शेयर भी कर दो। तो मिलते हैं कल को नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।